वालेकुम एंड ईद मुबारक एवरीवन। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आपसे चांद रात की और ईद डे वन की और गिफ्टिंग सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। फ़िलहाल प्रिपेयर कर लेते हैं जल्दी से पाइनएप्पल डेजर्ट। इसके लिए पाइनएप्पल का एक टिन ले लिया था, क्रीम ले ली थी और साथ में मेरी बिस्किट ले लिए थे। बिस्किट को आपने क्रश कर लेना है और क्रीम के अंदर पाइनएप्पल चंक्स डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये बड़ा ही इजी और क्विक सा डेजर्ट बन गया था क्योंकि ईद के लिए जब तक आप मीठा ना बनाओ तो ईद कैसे कंप्लीट होती है ना। और उसके अलावा मैं आपसे शेयर करूँगी मेरे इन लॉज़ के साथ जो भी सारी सेलिब्रेशन थी चांद रात की, ईद की और जो गिफ्टिंग हमने की वो सब आपको वन बाय वन दिखाऊंगी। तो आपने कहीं नहीं जाना, वीडियो पूरी देखनी है। फिलहाल यहाँ पे मैंने नीचे लेयर कर दिया था मेरी बिस्किट को क्रश करके वो, और उसके ऊपर क्रीम जो हमने रेडी की थी पाइनएप्पल चंक्स डाल के वो। ये बहुत इजी और क्विक डेजर्ट बन जाता है, बिल्कुल भी इसमें देर नहीं लगती। इसके ऊपर आप चाहें तो फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, और भी कोई चीज़ ऐड करना चाहें तो बिल्कुल आपकी अपनी मर्ज़ी है। और ये पाइनएप्पल डेजर्ट बिल्कुल 5 सेकेंड्स में रेडी हो गया था। और हेयर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर ईद डे, क्योंकि ईद डे पे आप खुद तो रेडी होते ही हैं, तो उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने रूम को या अपने घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट करो, या अच्छी अच्छी बेड शीट्स जो भी हो आपके पास फैंसी वो सेट करें। तो मेरा तो कुछ ऐसा ही है और मैं ऐसे ही करती हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है, खुद को ही अच्छा लग रहा होता है कि ईद की सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिपेयर कर रही थी सबके गिफ्ट्स। ये चांद रात की वीडियो है सारी, मैंने सुबह ही सारे गिफ्ट्स वगैरह अरेंज करके रख दिए थे क्योंकि चांद रात पे सब इधर आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि गिफ्टिंग भी ऑलरेडी रेडी हो तो फिर ज़्यादा ही मज़ा आता है। तो यहाँ पे सबके गिफ्ट्स भी रेडी हो गए थे। ईद पे गिफ्टिंग, ईदी, ये सब तो चलता ही रहता है ना, और साथ में मज़े मज़े के खाने भी होते हैं ऑफ कोर्स। सो यहाँ पे बन रहे हैं बन कबाब्स, क्योंकि ये बहुत मज़े के और स्ट्रीट स्टाइल बन कबाब्स बने थे जो कि हम सबको ही बहुत अच्छे लगे थे। तो बन कबाब्स आर ऑलमोस्ट डन। इसकी कंप्लीट रेसिपी इंशाल्लाह फ्यूचर में शेयर करूंगी। और साथ में चाउमीन भी जल्दी से रेडी हो गए थे। वैसे मैंने छोटे छोटे ही क्लिप्स बनाए थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और भी बहुत ज़्यादा तैयारियां थी करने वाली, क्योंकि ईद के दिनों में तो आपको पता है ऐसे ही चल रहा होता है, और जब सब साथ हों तो फिर ज़्यादा इंसान बिजी भी होता है, गॉसिप्स भी चल रही होती हैं और साथ मिल के तैयारियाँ भी हो रही होती हैं। खैर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। यहाँ पर जल्दी से फ्राई कर लेते हैं कुछ फ्राइड आइटम्स, क्योंकि जो ईद की टेबल होती है वो जब तक कलरफुल सी ना हो और बहुत ज़्यादा आइटम्स ना हो तो मज़ा नहीं आता। खैर मैंने सिंपल सिंपल सी ही चीज़ें रखी थी कि बच्चे और बड़े सभी इंजॉय कर लें। सो गाइस, यहाँ से अफ्तारी वगैरह से फ्री होके अब हो गई थी चांद रात की अनाउंसमेंट, और सब बुके वगैरह भी लेकर आए थे एक दूसरे के लिए, जो गिफ्ट्स लेकर आए थे अब उसकी बारी थी। और सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूँगी जो मैंने गिफ्ट्स दिए थे सबको, और जो मुझे सबने गिफ्ट्स दिए थे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स में आपसे शेयर करूँगी, वन बाय वन दिखाएंगे ना। और फिलहाल यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ से स्टार्ट किया था मैंने। यहाँ पे सब अपने गिफ्ट्स खोल के देख रहे थे और उनको काफ़ी अच्छा लगा था अपना ड्रेस, और साथ में मैचिंग उनका हैंडबैग भी था तो काफ़ी उनको अच्छा लगा अपना ये ड्रेस। ये एक्चुअली फ्रॉक सॉर्ट ऑफ था और साथ में इसके प्लाजो था, उसके ऊपर ब्लॉक पेंट हुआ हुआ था, तो काफ़ी अच्छी स्टाइलिश सी जो है ना ईद ड्रेसिंग हो गई थी। तो बस यहाँ पे अभी मेरे फादर इन लॉ जो है ना गिफ्ट अपना ओपन कर रहे थे। वैसे गिफ्ट्स लेने और देने से जो है ना प्यार मोहब्बत भी बढ़ता है और मज़ा भी आता है। वैसे यहाँ तो यही ही हमारी सेलिब्रेशन होती है कि ईद पे इस तरह गिफ्टिंग करके तो हम लोग थोड़ा सा अपने इवेंट्स को मोर मेमोरेबल और एक्साइटिंग बना लेते हैं, क्योंकि कहीं बहुत ज़्यादा आना जाना तो नहीं होता, बाहर चले जाते हैं मॉल्स में या कॉर्निश वगैरह चले गए। इंशाल्लाह जो सेकंड डे था ईद का वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हमने कैसे सेलिब्रेट किया। और ये अभी ओपन कर रहे हैं मेरे फादर इन लॉ अपना गिफ्ट। थैंक यू सो मच, वेलकम, ईद मुबारक, चांद रात मुबारक, खैर मुबारक, सबको मुबारक हो।
यहाँ पे अभी जो मेरी जेठानी है उनको भी मैंने गिफ्ट दे दिए थे, और उनके बच्चों ने भी माशाल्लाह काफ़ी एक्साइटमेंट से गिफ्ट्स अपने खोले। और बच्चों को तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है गिफ्ट्स हो या ईदी हो, क्योंकि मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तो जो मामू चाचू और जो भी हमें ईदी देते थे तो हमें सबसे ज़्यादा उसकी खुशी होती थी कि करारे करारे नोट हमें मिल रहे हैं। पे मैंने जो थर्ड कपल था उनको भी गिफ्ट दे दिया था और साथ में सोन हलवा भी गिफ्ट किया था। वैसे सबके लिए ही था, सोन हलवा क्लिप मैं लेना भूल गई तो मैंने कहा बस आप लोगों के साथ मेंशन कर दूंगी। अगर आप लोगों ने भी किसी को सोन हलवा गिफ्ट करना है तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और बस गिफ्टिंग वगैरह के बाद हम लोगों ने इंजॉय कर लिया था पिज़्ज़ा, क्योंकि पिज़्ज़ा पार्टी तो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए सबके लिए ही मज़े की होती है ना। तो चांद रात का इस तरह से हमारा डे सेलिब्रेट हो गया था। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी आप लोगों के लिए। आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है और जो पार्ट वीडियो को अच्छा लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो बस यहाँ पे हो रहा है पिज़्ज़ा एंजॉय। जनाब इसके बाद थोड़ी सी हमने स्वीट इंजॉय की थी। तो चांद रात का जो है ना लेट नाइट तक की हमारा सा शुगल वगैरह हल्ला गुला चला था, और उसके बाद मेहंदी सेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था। सब ने एक दूसरे को मेहंदी भी थोड़ी सी लगा ली, एक एक हाथ तो ऑलमोस्ट सबके हो गए थे, बहुत लेट हो गया था तो बस दोनों हाथ रह ही गए। यहाँ पे मोस्टली ऐसे होता है कि बस फिर जो नेक्स्ट डे होता है ना ईद का, वो सारा दिन सो के ही गुजरता है और रात को फिर एक सेलिब्रेशन होती है, क्योंकि सुबह ईद की नमाज़ पढ़ के तो सब सो ही जाते हैं। और अभी यहाँ पे मैं हानिया को मेहंदी लगाने लगी थी, फिर हैंड्स को इधर उधर मूव नहीं करना, फिर मेहंदी उतर जाएगी सारी। अच्छा नो बेटा, यू कैन नॉट डू इट, आई विल पुट मेहंदी। हानिया योर मेहंदी इज डन, यू आर हैप्पी नाउ, एंड हेयर इज हानिया ईद ड्रेस। यस अभी हानिया को करते हैं रेडी, पुट योर हैंड्स हियर हानिया। तो गाइस दिस वाज द नेक्स्ट मॉर्निंग और ईद डे वन की, जब नमाज़ वगैरह पढ़ के हम सो के और उठ गए थे। तो यहाँ पे ईद की तैयारी हो रही है और इसमें हमने क्या किया ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट व्लॉग यहीं से स्टार्ट होगा, बाय।